हेलो बच्चों, तो आज जो है फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पार्ट सिक्स देखने वाले हैं, एंड दैट इज़ पार्ट सिक्स, जिसके अंतर्गत फिनॉल के ऑक्सीडेशन का डिस्कशन करेंगे। ये रिएक्शन भी फिनॉल के ओएच से संबंधित अभिक्रिया है, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। फिनॉल के ओएच से संबंधित अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन कराते हैं फिनॉल का। अब एक खास बात याद रखिए, फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन होने के बाद जो ऑक्सीकृत उत्पाद मिलेगा, मतलब आफ्टर ऑक्सीडेशन जो हमें ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि किस ऑक्सीकारक की उपस्थिति में वो अभिक्रिया कराई गई है या किन परिस्थितियों में अभिक्रिया कराई गई है। क्लियर? तो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, कुछ मेन एस्पेक्ट्स जो फिनॉल के ऑक्सीडेशन संबंधित आपको जानना चाहिए, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसकी फर्स्ट कंडीशन हम देखें कि फिनॉल, आप जानते हैं फिनॉल जो है वो रंगहीन शुद्ध अवस्था में फिनॉल जो है वो रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ये प्योर क्रिस्टलाइन, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे शुगर होता है, जैसे मिश्री होती है, उस तरह का ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। लेकिन अगर इसे आप हवा में, वायु में एक्सपोज कर दें तो ये धीरे धीरे गुलाबी होने लगता है। ठीक है, तो अगर इसका O2 के द्वारा ऑक्सीडेशन कराया जाए, मतलब स्वतः हो जाए इट्सेल्फ, तो होगा क्या? ये है फिनॉल, दिस इज फिनॉल। इसका अगर ऑक्सीडेशन होता है वायु द्वारा, सनलाइट एक्सपोजर है यहाँ पर, तो ये बन जाता है बेटा पैरा बेंजो क्विनोन। ध्यान रखिए, आपको बता चुके हैं फिनॉल जो है वो कीटोनिक फॉर्म और इनोल फॉर्म, ये इनोल रूप है और कीटोन के साथ चलावयवता दर्शाता है। तो इस केस में ऑक्सीजन के मिलने के कारण ये चलावयवता ज़्यादा परफेक्ट हो जाती है, मतलब जो फॉर्म है वो कीटोन टाइप का हो जाता है। और ये दो कीटोनिक रख गए, पहले पर भी चौथे पर भी, तो नाम क्या है? पैरा पोजिशन है, इसको बोलते हैं पैरा बेंजो क्विनोन, पैरा बेंजो क्विनोन। क्लियर? अभी जो पैरा बेंजो क्विनोन बना हुआ है ये फिनॉल है, ये फिनॉल है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ही है, सनलाइट के एक्सपोजर में हमने ऑक्सीजन गैस या वायु से क्रिया करा दी, क्या मिल गया? पैरा बेंजो क्विनोन। अब ये पैरा बेंजो क्विनोन द्रव या जो द्रवित फिनॉल है उसी के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ फिनो क्विनोन बना लेता है। कैसे? ये देखो, ये है C6H5OH और ये है पैरा बेंजो क्विनोन, इसके साथ ये मिल जाता है, ये दो कंपाउंड मिल जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह, देखो जरा हम यहाँ दिखा रहे हैं C6H5OH और ये है पैरा बेंजो क्विनोन, इस तरह से बना रहे बेटा, ये पैरा बेंजो क्विनोन और ये फिनॉल का दूसरा अणु। अब देखो जरा, इसके बीच में यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये जो पूरा स्केलेटन बना है, दिस इज पैरा बेंजो क्विनोन मॉलिक्यूल, दिस इज फिनॉल मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल एंड सेकंड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी को नाम क्या दे रहे हैं? फिनो क्विनोन। इसी का रंग गुलाबी होता है, इसी का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। यही रंग गुलाबी होता है जिसके कारण फिनॉल जो शुद्ध अवस्था में रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस था, जब ये वायु के साथ एक्सपोज करता है तो ये फिनोक्विनोन बना लेता है, जिसके कारण उस पूरे फिनॉल का जो रंग है, जो पारदर्शी या रंगहीन होना चाहिए था, अब हल्का गुलाबी, फिर बाद में और गाढ़ा गुलाबी और गहरा गुलाबी और फिर एक रेड होता है फिनॉलिक रेड, उस तरह का कलर ये बना लेता है या उस तरह कलर के विलयन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? फिनोक्विनोन बन जाना। और फिनोक्विनोन क्यों बना? क्योंकि पैरा बेंजो क्विनोन बना था। क्लियर? तो ये एक ऑक्सीडेशन का एक हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा देखो, अगर हम केमेनोफोर के द्वारा ऑक्सीडेशन कराते हैं फिनॉल का, केमेनोफोर के द्वारा, ठीक बेटा, तो ये फिनॉल, इसको अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो केमेनोफोर के द्वारा, KMnO4, तो क्या मिल गया? यहाँ पर मेजो टार्टरिक एसिड मिल जाता है, ये पूरी तरह से टूट जाता है। आपको पता है KMnO4 जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यहाँ पर मेजो टार्टरिक एसिड, मेजो का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ से यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, दो किरियल कार्बन है, ये भी किरियल है और ये भी किरियल है, इसमें अगर आप मिरर यहाँ लगाएं तो आधा आधा जो है वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब दिखते हैं,
ये इसका मिरर इमेज दिख रहा है और ये इसका मिरर इमेज, देखो ये वाला पोर्शन इसका मिरर इमेज दिख रहा है और ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले का मिरर इमेज दिख रहा है, तो दैट कंपाउंड इज नोन एज मेजो। तो ये मेजो फॉर्म है और ये मेजो टार्टरिक एसिड है। तो ये कब मिला? जब हमने फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराया किससे? KMnO4 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके साथ। ठीक, और देख लीजिए, एक और देख लो, पोटेशियम क्लोरेट के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इसके द्वारा अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें फिनॉल का, तो एक कंपाउंड है दैट इज नोन एज क्लोरोनिल। तो ये फिनॉल, ये फिनॉल, ठीक, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे? पोटेशियम क्लोरेट के साथ। तो पोटेशियम क्लोरेट जो है वो ऑक्सीकारक होता है, ठीक है, तो पैरा बेंजोक्विनोन तो बनना ही बनना है, पैरा बेंजोक्विनोन बनेगा, तो ये बन गया पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक, लेकिन आप जानते हैं यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। ये जो पोटेशियम क्लोरेट है, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, ये इस चारों हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देता है और यहाँ लग जाएगा क्लोरो क्लोरीन 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 एंड द कंपाउंड नेम इज क्लोरोनिल। क्या है ये? क्लोरोनिल। क्लियर? एक रिएक्शन हम ऑक्सीडेशन का और बता रहे हैं आपको, ये अगर आप इसको रिएक्शन करा दीजिए, जैसे पोटेशियम क्लोराइड के साथ हो गया, KMnO4 एसिडिक मीडियम के साथ हो गया, अब अगर आप इसको परोक्सी सल्फेट के साथ लाइक दैट K2S2O8 और यहाँ ले लीजिए KOH क्षारीय माध्यम में, तो K2S2O8, अब देखो आप जानते हो ये है H2S2O8, ये क्या है? दिस इज़ परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड, मालूम है ना आपको? परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है मार्शल एसिड। क्या बोलते हैं इसको? मार्शल एसिड, मार्शल्स एसिड, मार्शल नाम है, इसको मार्शल एसिड भी कहते हैं। H2S2O8 एक कंपाउंड और होता है H2SO5, जिसको हम कैरो एसिड बोलते हैं, या परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है कैरो एसिड। ठीक है, कैरो एसिड, ये है बेटा H2S2O8, दिस इज परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, द अदर नेम इज मार्शल एसिड। अच्छा, इसी का सॉल्ट है K2। देखो दोनों हाइड्रोजन, इसकी बेसिसिटी भी दो, इसकी बेसिसिटी भी दो, इसकी क्षारकता भी दो होती है, इसकी क्षारकता भी दो, उसी का सॉल्ट है K2S2O8। ठीक है, दिस इज पोटेशियम परोक्सी डाई सल्फेट। क्या नाम होगा इसका? पोटेशियम परोक्सी परोक्सी डाई सल्फेट, ये सॉल्ट है। ठीक बेटा, पोटेशियम परोक्सी डाई सल्फेट। अब क्या है इससे क्या बनेगा? ये है फिनॉल, फिनॉल बेंजीन पर OH, ये है KOH, थोड़ा सा कंपाउंड अलग है K2S2O8, डाई हाइड्रिक एल्कोहल मिलते हैं यहाँ पर, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट में डाई हाइड्रिक एल्कोहल मिलता है, एक तो 1-2 वाला मिलता है और एक 1-4 वाला मिलता है, 1-2 वाला और एक 1-4 वाला। तो ये है कैटेकॉल, ये क्या है बेटा? कैटेकॉल, और ये क्या है? क्विनॉल, दिस इज क्विनॉल एंड दिस इज कैटेकॉल, ये क्विनॉल और ये कैटेकॉल, इन दोनों में ये जो है मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है, यही क्विनॉल जो है ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इस रिएक्शन में क्विनॉल जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स। अलग अलग परिस्थितियों में हमें अलग अलग उत्पाद मिल रहे हैं। वायु के द्वारा ऑक्सीडेशन कराए तो पैरा बेंजोक्विनोन, रंग पील रंग गुलाबी हो गया, क्यों हो गया? फिनोक्विनोन बनने के कारण फिनॉल और पैरा बेंजोक्विनोन में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और KMnO4 के साथ रिएक्शन कराए तो हमें मेजो कंपाउंड मिल गया, मेजो टार्टरिक एसिड। जब हमने इसको पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्शन कराई तो क्लोरोनिल मिल गया, क्लोरोनिल। और अगर हमने पोटेशियम का परोक्सी डाइसल्फेट कॉम्प्लेक्स के क्षारीय माध्यम के साथ रिएक्शन कराया है, पोटेशियम परोक्सी डाइसल्फेट जो लवण है उसका अगर हमने क्षारीय माध्यम में रिएक्शन कराया है, तो हमें मिल गया कैटेकॉल और क्विनॉल, मतलब इन दोनों का मिक्सचर मिला जिसमें क्विनॉल जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।